Yep. Fresco! Gas fresco! Gas fresco! Venivo qua! देखिए डेलीगेशंस आती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। आज भी जो डेलीगेशंस फॉरेन एनवाइज की यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है, हमें उस डेलीगेशन के आने का कोई सीधा एतराज नहीं है, मगर सवाल ये है कि ये रिटर्न क्या देंगे ये डेलीगेशंस। ये तीसरी बार उन्होंने स्टेज मैनेज्ड डेलीगेशंस लाए, आते हैं, फुल प्रोटोकॉल मिलता है, फाइव स्टार होटल मिलता है, सरकार ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ लोगों को जो उनकी बोली बोलते हैं और उनको मिलाया जाता है ओपनली। ना वो आवाम को मिल पाए तीनों बार, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कोई जो यहाँ पर 15-20 पॉलिटिकल पार्टीज़ है छोटी बड़ी, उनको तो कोई इन्विटेशन ही नहीं, उनके नुमाइंदे तो गए ही नहीं जो ज़मीनी सत्ता की बात उनसे कर सकते। और जो उनके अपने खैर खा है, सरकार की वाहवाही करने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी तबके से हैं, उनको वहाँ ले जाया गया और उनसे हाँ मैं हाँ मिलवाया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की डेलीगेशंस को लाने से कोई फ़ायदा है। हमने डिमांड रखी थी कि आप अपने पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस की डेलीगेशन बनाइए, आल पार्टी डेलीगेशन बनाइए, 2-4-5 दिन वो आए, तमाम ज़िलों में जाए, आम लोगों से बात करे और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसले लिए जम्मू कश्मीर के बारे में उसके जनरल आवाम से बात करे। जो मोटिवेटेड तबका होता है, जो मेरे हैं वो मेरी बात करेंगे, जो उनके हैं वो उनकी बात करेंगे। जब तक ना डेलीगेशनस आवाम से बात करें, अवामी सतह पर बात करें, तब उनको पता चलेगा कि ज़मीनी सतह पर लोग इन तमाम फैसले जात के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो वो तो उन्होंने वो डेलीगेशन देने से मना किया, और यहाँ तक कि जो लोकल लीडर्स है जम्मू कश्मीर में, मुझे नहीं लगता है उनमें किसी को इनविटेशन थी या उनको किसी को बात करने का मौका दिया। उन एनवाइज को भी चाहिए था जिन्होंने यहाँ सदियों से सियासत की, यहाँ पर आवाम की खदमत की, उनका भी कोई रोल है, उनको खुद भी डिज़ायर करना चाहिए था हम फलानी लीडरों से मिलना चाहते हैं, तो नहीं थी उनकी हिम्मत, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल में फंसा रखा था। जो सरकार ने लाए सामने उनसे बात की, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के डेलीगेशनों से कोई ज़मीनी सतह पर कोई चेंज आ सकती। सर, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली फीस को एनहेंस करके बिल्स भेजना, पानी का टैक्स लगना, ये सारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अहकाम हैं। ये जहाँ जहाँ पर भी हिंदुस्तान में यूटीज़ है वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है, और पानी और बिजली का एनहेंस फीस लगता है। वो तो इसी तरह के इशारे दे रहे, एक तरफ आप स्टेट मांग रहे हो, दूसरी तरफ से वो यहाँ के काडर्स को मर्ज कर रहे हैं दूसरी स्टेटों के साथ, दूसरी तरफ से वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स प्रपोज कर रहे हैं, वो आपको हाउस टैक्स प्रपोज कर रहे हैं, वो अपने इरादे को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, और हम लोग सोचते हैं कि आज नहीं तो कल वो स्टेट हमें वापस देंगे। इन अहकाम से लगता है कि, इसीलिए मैंने कहा, जब तक ये सरकार वहाँ दिल्ली में बैठी है स्टेट भी वापस लाना मुश्किल है।